वेलकम बैक स्टूडेंट, वेलकम इन माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम राजू यादव, योर साइंस टीचर। डियर स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट सम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कुछ और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। इन ह्यूमंस मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, फॉर्मूला NH2CO NH2। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझना होगा कि ये यूरिया कैसे बना। सबसे पहले आपने प्रोटीन को लिया, प्रोटीन को खाया भोजन में, प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूट गया। किस में टूट गया? अमाइनो एसिड में टूट गया। और अमाइनो एसिड में एक फंक्शनल ग्रुप एमाइड भी होता है, जिसे NH2 कहते हैं। क्या होता है? एमाइड, NH2। और यही NH2 बॉडी में CO से रिएक्शन करके NH2CO NH2 बना देता है। NH2CO NH2 बना देता है, मतलब यूरिया का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी आल्सो टेक प्लेस फ्रॉम सम अदर बॉडी पार्ट सच एज। तो जो उत्सर्जन करते हैं, तो बॉडी में कुछ और भी ऑर्गन हैं जो उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन। शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन जो है आपका स्किन है। मेडिकल ने काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा है कि बताइए हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो ऐसे में आप बताएंगे स्किन। द स्किन रिमूवल डिजॉल्व साल्ट एंड एसिस वाटर फ्रॉम द बॉडी इन फॉर्म ऑफ स्वीट थ्रोट स्वीट ग्लाइंड। तो स्किन में जो है स्वीट ग्लाइंड्स पाए जाते हैं, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनसे पसीना यानी कि स्वीट बाहर निकलता है। तो इसमें डिजॉल्विंग साल्ट एसिस ऑफ वाटर होता है, यानी कि इसमें साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब चूंकि बॉडी को सोडियम पोटेशियम बैलेंस करने के लिए, सोडियम पोटेशियम बैलेंस करने के लिए स्वीट के रूप में आपका सोडियम बाहर निकालना पड़ता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द प्रोडक्शन ऑफ स्वीट आल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर जो पसीना बनता है उससे हमारे शरीर का तापमान भी नियंत्रित होता है, यानी कि पसीना बनने से, जब वो पसीना बॉडी के बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं बॉडी को कैसे होगा, मतलब ठंडा फील होगा। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा सुराही जो होती है उसमें जो पानी होता है वो ठंडा होता है, क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे पोर होते हैं जिनके द्वारा मतलब एयर का एक्सचेंजेशन होता रहता है ना। तो व्हेन द स्वीट एवापोरेट, जब पसीना एवापोरेट होता है, भाप बन के उड़ता है, इट मेक द बॉडी कूल। तो आपका बॉडी जो है कूल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, द लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन टू लेवल पर होता है, दो लेवल पर होता है। पहला होता है सेलुलर लेवल और दूसरा होता है ऑर्गन लेवल। अगर हम ऑर्गन लेवल की बात करें तो ऑर्गन लेवल पर आपका लंग्स जो है रेस्पिरेशन का कार्य करता है, और वहीं पर अगर हम बात करें सेल के अंदर, तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन का कार्य आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। प्यारे विद्यार्थियों, माइटोकॉन्ड्रिया ATP प्रोड्यूस करता है, जिसे द करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं, फुल फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके जो फॉस्फेट होते हैं उनकी बंध में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, फास्फेट के बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे जैसे फास्फेट बॉन्ड टूटेंगे एनर्जी रिलीज होगी। जैसे मैं बात करूँ ATP में नंबर ऑफ फास्फेट बॉन्ड 3 है, चेंज हो जाएगा ADP, इसमें फास्फेट बॉन्ड 2 है, यानी कि एक फास्फेट बॉन्ड टूट के एनर्जी उसने रिलीज कर दी। अब AMP एडिनोसिन मोनोफास्फेट में केवल एक फास्फेट ऑर्गन है, मतलब एक फास्फेट बॉन्ड है। जैसे जैसे बॉन्डिंग टूटेगी एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर हमें जो रेस्पिरेशन से एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? ATP से मिल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं लिवर के बारे में। लिवर हेपेटिक सिस्टम है, और लिवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थी, हेपेटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लिवर। ठीक है, लिवर कोफा सेल से मिलकर बना होता है। लिवर किससे मिलकर बना होता है? कोफा सेल से मिलकर बना होता है। लिवर एक एग्जोक्राइन ग्लैंड है। अगर हम ग्लैंड की बात करें तो मोस्टली टू टाइप की ग्लैंड बॉडी में पाई जाती हैं,
एंडोक्राइन ग्लैंड और एग्जोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वे होती हैं जो कहीं ना कहीं केमिकल को बॉडी के इनसाइड यानी कि ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देते हैं, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो कि ब्लड स्ट्रीम में छोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और ऐसी ग्लैंड जो केमिकल को बॉडी के बाहर यानी कि किसी डक्ट के द्वारा बॉडी से बाहर निकालते हैं उसे हम कहते हैं एग्जोक्राइन ग्लैंड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिवर हेल्प करता है बाइल जूस बनाने में, तो द लिवर आल्सो रिमूव एक्सेस शुगर फ्रॉम द बॉडी बाय द कन्वर्टिंग इट ग्लाइकोजन। तो बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, जो एक्सेस ग्लूकोज आ जाता है, जो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा आ जाती है, तो लिवर इसे क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है, इसे रिमूव कर देता है। लिवर कुछ देर के लिए ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है, ठीक है, जिससे कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को बैलेंस किया जाए, है ना। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको बताया था शुगर की बीमारी के बारे में, हमने आपको डायबिटीज़ के बारे में बताया था। तो डायबिटीज़ का प्रोसेस तो आप जानते होंगे, डायबिटीज़ का प्रोसेस है, पहले तो आप ये जान लो कि डायबिटीज़ दो तरह की होती है, डायबिटीज़ मिलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मिलाइटस मोस्टली US में पाई जाती है, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडस US में पाई जाती है, डायबिटीज़ मिलाइटस इंडिया में पाई जाती है। डायबिटीज़ मिलाइटस फर्दर थ्री टाइप की होती है, टाइप वन टाइप टू गेस्टेशनल। टाइप वन डायबिटीज़ प्यारे विद्यार्थियों 19 से 20 साल तक के नए बच्चों में होती है, यानी कि जो नए बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 20 साल तक की होती है उनमें टाइप वन डायबिटीज़ देखी जाती है। टाइप टू डायबिटीज़ 55 एज तक के बुजुर्गों में, यानी कि 60 तक के एज के बुजुर्गों में देखी जाती है। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मोस्टली जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनके प्रेगनेंसी के दौरान उनमें एक डायबिटीज़ देखने को मिलती है, जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है ये डायबिटीज़ ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार मेडिकल में पूछा गया है कि डायबिटीज़ जो है फीमेल्स में कौन सी डायबिटीज़ मोस्टली पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनमें जो डायबिटीज़ पाई जाती है वो होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। तो जैसे ही बेबी डिलीवर होगा ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायबिटीज़ होती क्यों है, तो आप जानते हैं कि मॉम के प्लेसेंटा के अंदर न्यूट्रिशन जो है कहीं ना कहीं बेबी को भी जाता है, तो शुगर का लेवल जो है डिसबैलेंस हो जाता है। आप जानते हैं जब बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, है ना। तो हाइपोग्लाइसीमिया जानते हैं ना, हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, हाइपर में ज़्यादा हो जाता है, तो इसके बेस। और ग्लाइसीमिया क्या है, एक तरह से शुगर है ना, ग्लाइसीमिया, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नाउ वी डिस्कस अबाउट डायलिसिस। डायलिसिस एक कृत्रिम किडनी बनाई जाती है, मतलब द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ब्लड, हम ब्लड को क्लीन करेंगे। जब बॉडी में किडनी पूरी तरह से, जब बॉडी में किडनी जो है पूरी तरह से आपका फंक्शन करना बंद कर देता है, व्हेन द किडनी फेल टू द फंक्शन ड्यू टू इंजेक्शंस और इंजरीज, कभी कभी किडनी फेल हो जाता है। हमें सोचने वाली बात है किडनी फेल क्यों होता है। कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स फेल होने के रीज़न बहुत सारे हैं, मोस्टली अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा मेडिसिनल डोज, जो हम एक्स्ट्रा मेडिसिनल डोज लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स से डिग्रेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि बेटा डायबिटीज़ कैसे होता है, तो डायबिटीज़ का प्रोसेस भी सेम है कि डायबिटीज़ होने का एक मेन रीज़न ये है कि बॉडी में जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज की जो बीटा की इजलिट सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और जैसे जैसे पैनक्रियाज की बीटा की इजलिट सेल डिस्ट्रॉय होंगी, कहीं ना कहीं आपका पैनक्रियाज प्रॉपरली इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बना पाएगा। जब ये इंसुलिन नहीं बना पाएगा तो कहीं ना कहीं ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी और हमें डायबिटीज़ हो जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं इसके लिए मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिनल प्रॉपर्टी को हमें ध्यान में रखना है। हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी मेडिसिन लेनी है। अगर बॉडी में मेडिसिन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें कॉज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम बात करने वाले हैं डायलिसिस के बारे में। व्हेन द किडनी फेल टू फंक्शन ड्यू टू इंजेक्शन और इंजरी, जब कभी इंजेक्शन या इंजरी के द्वारा किडनी फेल होती है, द ब्लड नीड टू प्यूरीफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द आर्टिफिशियल मीन्स,
तो हम कृत्रिम रूप से ब्लड को फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो ये जो कृत्रिम प्रोसेस है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें हम बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस भी फिल्टर कर देते हैं जो नहीं होने चाहिए, है ना। हम बहुत सारी प्रोटीन भी फिल्टर करके बाहर फेंक देते हैं ब्लड से। डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम इट। यानी कि डायलिसिस के प्रोसेस के द्वारा हम ब्लड से जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, हम सबको बाहर कर देते हैं, सबको निकाल देते हैं। विच फंक्शंस एज एन आर्टिफिशियल किडनी, यह आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट इन अदर एनिमल, अगर हम मतलब वेस्ट को अदर एनिमल में कैसे रिमूव किया जाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि जितने भी एनिमल हैं ये रिमूव करते हैं वाटर की हेल्प के द्वारा। फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यानी कि मछलियाँ और जलीय जीव जो हैं ये मतलब वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया के फॉर्म में। अमोनिया तो जानते हैं एमाइड, NH2, NH3, ये एमाइड है, ये बहुत ही जहरीले होते हैं। गैसियस फॉर्म में विच डिजॉल्व डायरेक्टली इनटू वाटर, ये वाटर में डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब डिजॉल्व कर देते हैं। वर्ड्स, लिजार्ड एंड स्नेक लैंड एनिमल्स एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाइट सेमी सॉलिड कंपाउंड कार्ड यूरिक एसिड, जैसे कि पक्षी हैं, लिजार्ड हैं, सर्प हैं, ये यूरिया नहीं निकालते, ये यूरिक एसिड निकालते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये यूरिक एसिड निकालते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।